हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपको पिछले वीडियो में हरिद्वार का टूर करवाए थे, तो आज हम ऋषिकेश का टूर करवाने वाले हैं। साथ ही कम बजट में आपको एक ही दिन में आराम से कैसे ऋषिकेश घूम सकते हैं ये भी आपको दिखाने वाले हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं एक ही बार ऋषिकेश। तो हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। अभी यहाँ से हम लोग हरिद्वार से ही ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूम देख लेते हैं, वहाँ पे अपना सारा लगेज वगैरह रख लेंगे, फ्रेश होंगे, फिर ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। तो हमने सोचा हम स्कूटी या बाइक हायर कर ले, जो कि एक दिन में हम लोग का टूर हो सकता है। तो पहले हम स्कूटी या बाइक ही देख लेते हैं, उसके बाद हम उसी को लेके सोचे हैं ऋषिकेश के लिए निकले गए। तो अभी वही देख रहे हैं, मिल जाएगी कहीं तो चलिए फिर, है कि नहीं। तो गाइस देखिए, ये स्कूटी बाइक रेंट में देते हैं, ऐसा ही रहता है गाइस। तो हम लोग स्कूटी ले लिए गाइस। स्कूटी में सुविधा होगा हम लोग को, कभी वो चला लेंगे, कभी हम चला लेंगे इस टाइप से, क्योंकि बाइक हमें चलाना आता नहीं है गाइस। तो वैसे हमें तो रास्ता नहीं पता है, तो हम लोग गूगल मैप के सहारे ही जा रहे हैं पूछते पूछते। फिर भी बेटर होगा कि आप किसी को पूछ लीजिए, क्योंकि गूगल मैप भी आपको रॉन्ग दिखाता है कभी। दो तीन अगर वे होता है तो आपको लॉन्ग टर्न होके जाना पड़ जाएगा। तो आपको बेटर होगा कि आप किसी को पूछ लीजिए, रिक्शा वाला, कोई स्टोरी में किसी को भी गाइस। और हाँ गाइस, जैसे कि आप लोगों को स्कूटी या बाइक रेंट में लेके जाना है, तो उसको आपको 400 से 1000 के लगभग पड़ जाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से वो लोग देते हैं, आपको पेट्रोल खुद ही भरवाना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। वो भी वो लोग आपको टाइम दे देंगे कि मॉर्निंग का 8 बजे से रात 9-10 बजे तक ही। उससे ज़्यादा अगर आप रख लेते हैं, आप सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा गाइस। तो अगर आपको लेना नहीं है तो भी आपको यहाँ से देखिए, आपको बहुत सारा टैक्सी, मैजिक, कुछ भी मतलब मिल सकता है, बस आपको मिलती है यहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए, जिसका भाड़ा आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ओनली 50 रुपीज़ ही चार्ज लेते हैं ये लोग। तो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे वो करें गाइस। मेरा सजेशन यही है कि आप अगर अच्छा हो तो बाइक स्कूटी कर ले, अगर एक दिन का टूर हो तो आपका, क्योंकि आप जैसे कि बस अगर कोई टैक्सी लेते हैं तो आपको स्टॉपेज में उतार देंगे, वहाँ से आपको फिर से पैदल या कोई दूसरा गाड़ी करना पड़ेगा गाइस। अगर खुद का गाड़ी हो तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं गाइस। तो इसलिए तो देखिए, यहाँ से ऋषिकेश ज़्यादा दूर भी नहीं है, 13 किलोमीटर की है जो दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, आगे कभी हम आपको दिखाते जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर नेचर है, दोनों तरफ ग्रीन एंड ग्रीन, और वो रहा है पहाड़ी। अभी उधर ही हम लोग जा रहे हैं, तो गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू, सच में ऑसम व्यू है। बाइक स्कूटी में जाने का मजा ही कुछ और है गाइस, सच में। तो हम लोग लगभग अभी आधे रास्ता में पहुंच गए हैं, और ज्यादा दूरी नहीं है, अब फिर घुस ही जाएंगे हम लोग ऋषिकेश। तो अभी ये थोड़ा रास्ता झिकझैक है, वो रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद हम लोग देवनगरी में एंटर करेंगे गाइस।
अभी इतना जाम लगा हुआ है कि क्या बोले देखें। तो हम लोग अभी यहाँ से घुस गए हैं देवनगरी। देखिए कितना सुंदर व्यू है, आज मौसम भी इतना सुंदर है कि क्या बोले, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं गाइस सच में। हम लोग ऋषिकेश एंटर कर चुके हैं गाइस। देखिए साइड में बोर्ड लगा हुआ है रिवर राफ्टिंग के लिए, कैंपेनिंग के लिए। गाइस आपको यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। हम लोग भी सोचे रिवर राफ्टिंग करेंगे, तो हम आपको रिवर राफ्टिंग का नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं गाइस। आज हम सिर्फ यहाँ का जो लक्ष्मण झूला है और जो राम झूला है इधर का टूर करने वाले हैं, और थोड़ा पता कर लेते हैं रिवर राफ्टिंग का कैसा प्राइस लेते हैं ये लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको रिवर राफ्टिंग का दिखाएंगे गाइस। तो अगर आपको रिवर राफ्टिंग का वीडियो देखना है गाइस, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में भी गाइस। तो चलिए देखते हैं कैसे पहुंचना है लक्ष्मण झूला। अभी इधर से होके हम लोग जाते हैं, पूछते पूछते जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का आइडिया है नहीं। तो हम लोग अभी गाइस इधर ही कहीं बाइक पार्किंग कर लेंगे। तो हम लोगों ने बाइक पार्किंग कर लिया, अभी जा रहे हैं हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ। तो अभी आपको जितना भी एडवेंचर होता है रिवर राफ्टिंग जितना भी, वो आपको लक्ष्मण झूला की तरफ ही देखने को मिलेगा गाइस। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू, दोनों तरफ स्टॉल लगा हुआ है, आपको जो चाहिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा गाइस। खाने से लेके पीने से लेके आपको शॉपिंग भी कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, खासकर लेडीज सबके लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग ज्वेलरी सब मिलती है गाइस, देखिए इतना सुंदर सुंदर लगा हुआ है। तो हम भी देखेंगे बाद में, लेते हैं बाद में, पहले अभी जाते हैं अपने उधर। बिना पूछे तो जा रहा दोनों दो। तो देखिए कितना ढलान है यहाँ पे, मतलब उतरने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट देखिए अंकल सब कैसे चढ़ रहे हैं, मतलब बहुत चढ़ने टाइम अब जब रिटर्न आएंगे तो बहुत अप पड़ेगा गाइस। देखिए इतना ढलान जाना पड़ रहा है, चल तो चल ले रहे हैं हम अभी, आने टाइम पता नहीं क्या होगा मेरा। देखिए गाइस यहाँ पे भी जगह जगह रिवर राफ्टिंग के लिए लिखा गया है बोर्ड। अगर आपको रिवर राफ्टिंग करना है तो आपको इन सब दुकानों में कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही करवाएंगे आप लोग को रिवर राफ्टिंग। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे रिवर राफ्टिंग के बोर्ड देखने को मिलेंगे जहाँ पे रिवर राफ्टिंग करवाते हैं गाइस ये लोग। तो हमें और बहुत आगे जाना है, देखिए गाइस रिवर राफ्टिंग के लिए ये लोग जा रहे हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। आई थिंक यही से स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं पे ज़्यादातर दिख रहा है दुकानें जो रिवर राफ्टिंग करवाते हैं। तो हम आते आते वो भी पता कर लेंगे रिवर राफ्टिंग का।
तो हम लोग तो रिवर राफ्टिंग भी करने वाले हैं गाइस ना, तो वो भी पता करना पड़ेगा हम लोग कितना पड़ेगा क्या नहीं, तो वो भी हम इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ आए तो रिवर राफ्टिंग के लिए आपको दिक्कत ना हो, तो चलिए तो गाइस सुनने में आ रहा लक्ष्मण झूला थोड़ा बंद है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ। गाइस देखिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है गाइस, तो हम लोग का लकी नहीं है इस बार वहाँ पे जाने का, तो अभी हम लोग क्या करें। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं लक्ष्मण झूला की ओर, यहाँ पे तो नहीं जा पाए, कम से कम वहाँ पे एटलीस्ट जा पाए, वहाँ पे ऐसा कुछ लोचा ना हो आई थिंक। तो अभी चलते हैं उधर ही गाइस, यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, तो चलिए। तो देखते हैं ये वाला यहाँ पे घूमते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई है शायद ऊपर में होगा, तो यहीं पे देख। हम लोग को बहुत भूख लग रहा है तो सोच रहे कुछ खा लें, तो देखते हैं कुछ अच्छा दुकान मिल जाए तो वहीं पे कुछ खा लेंगे, पेट भरा लेंगे, उसके बाद ही आगे निकलेंगे गाइस। तो अभी हम लोग निकलते हैं राम झूला की ओर गाइस, तो देखिए सामने ये है गेट, इसी का लेफ्ट में है राम झूला जाने का रास्ता, तो अभी हम लोग जाते हैं राम झूला, लास्ट अब यही घूमने वाले हैं यहाँ पे आज का, क्योंकि जो सोच के आए थे वो तो हुआ नहीं। देखिए कितना भीड़ है, तो देखिए गाइस वो रहा आपको दिख रहा है ना, वो है राम झूला, हम लोग वहीं जाने वाले हैं गाइस, पर लग नहीं रहा है आज पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इतना भीड़ है गाइस। देखिए गाइस बोट चल रही है, बहुत कोई राफ्टिंग कर रहे हैं, तो गाइस सच में झूला में इतना भीड़ है कि हम वहाँ पे चढ़ नहीं पाएंगे, तो दूर से ही झूला का आनंद आज उठा लेने वाले हैं गाइस।
बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन यहाँ पे आके मन नहीं कर रहा, क्या करूँ बताओ। इतना दूर से आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा वीडियो में, स्टॉप कर दो। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं हरिद्वार के लिए गाइस। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रिवर राफ्टिंग हम लोगों ने किया उसका हम वीडियो आप लोगों को शेयर करने वाले हैं गाइस, तो आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।